بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی حیات مبارکہ میں تقریباً 11 نکاح فرمائے، ان کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کم علم کے مطابق ہو چکا ہے. ان تمام کے تمام نکاحوں کا مقصد نعوذ باللہ جو آج کل دنیا کے دماغ میں آتا ہے، دنیا جس طرف دماغ دوڑاتی ہے اور اس دین اسلام کو، یا اسی طرح میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نقطہ لگانے کی کوشش کرتی ہے، میں اور آپ یہ بات بخوبی سمجھ لیں، بخوبی جان لیں کہ میرے اور آپ کے آقا اس زمین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے، اور جنہوں نے نہیں بھی کیا اگر وہ بھی میرے آقا کی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ زندگی ان کی کامیاب ہو جائے گی، وہ خود کامرانی اور کامیابی کی طرف پہنچ جائیں گے. بہرحال ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کا ہر ہر لمحہ قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، اور تمام کے تمام انسانوں کو اور بالخصوص ایمان والوں کو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے اور آپ کے آقا کی پیروی کریں. اس لیے تمام کی تمام ان کی اداؤں کو اور ہر ہر ایک چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کرایا. کیوں محفوظ کرایا؟ کسی اور انسان کی اس قدر سیرت طیبہ یا اس قدر اس کی سیرت کو اتنا محفوظ نہیں رکھا گیا
जितना मेरे और आपके आका की सीरत को महफूज रखा गया, वरना आपसे पहले बड़े बड़े लोग इस ज़मीन पर गुजरे या इससे पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़िंदगियाँ गुजरी, लेकिन जितनी बारीकी से मेरे और आपके आका की ज़िंदगी महफूज है, इतनी किसी और बड़ी शख्सियत की या इस तरह दुनिया में आने वाले किसी भी इंसान की इस तरीके से ज़िंदगी महफूज नहीं है कि उनके बचपने से लेकर और दुनिया से जाने तक का एक एक लम्हा हाँ कलम ने कैद कर लिया हो और रावियों ने अपनी ज़बान से बयान कर दिया हो। इतना किसी और इंसान के लिए नहीं। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे और आपके अल्लाह ने मुझे और आपको एक लाहिया अमल दिया कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अगर तुम अल्लाह की खुशी चाहते हो और इस ज़िंदगी में कामयाब लोगों में वक्त गुजारना चाहते हो, इसी तरीके से आखिरत के मैदान में बिला हिसाब और किताब जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी ज़िंदगी को महबूब की ज़िंदगी की तरह बनाना है, आका की ज़िंदगी की तरह बनाना है, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक इस ज़िंदगी को बनाना है। लिहाजा मेरे भाई, मैं बात करने चला, ये 11 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें भी मेरे और आपके लिए सबक है। हालांकि पाबंदी लगा दी गई कि उम्मत मुहम्मदिया का कोई भी फर्द हाँ 4 निकाह से ज़्यादा नहीं कर सकता, इजाज़त निकाह की एक की है, अगर और गुंजाइश रखता है, मालदार है, ताकतवर है, तो दूसरा निकाह कर सकता है, और अगर अल्लाह ने और गुंजाइश दी है तो तीसरा निकाह कर सकता है, चौथा निकाह कर सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हर एतबार से गुंजाइश दे रखी है, जिनको अपने ऊपर एतमाद है कि वो इनके हुकूक को अदा करेंगे। हाँ ऐसा नहीं कि उनके साथ गैर रवैया इख्तियार करें, एक के साथ मोहब्बत का, दूसरी के साथ नफरत का, अगर इस तरीके से रवैया इख्तियार करना है तो ऐसे इंसानों के लिए कतान इजाज़त नहीं है। हाँ अगर इजाज़त दी है तो उसकी पाबंदियाँ भी बड़ी सख्त हैं, उनके हुकूक अदा करने के तरीके भी बड़ा सख्त हैं। मैं आपको मिसाल देकर के बतलाता चलूँ, हजरत मान अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से मालूम किया, अगर बीवी दो हैं और तुम्हारे यहाँ दो तरबूज आ जाएं तो अपनी बीवियों को किस तरह से दोगे? फरमाया कि एक इसको दे दूंगा, दूसरा इसको दे दूंगा। फरमाया नहीं, ये भी हक तलबी हो जाएगी, हो सकता है वो मीठा हो, वो फीका हो, मीठा वाला किसी और के पास और फीका वाला किसी और के पास, इसलिए फरमाया कि उन दोनों को काटा जाए और दोनों को आधा आधा करके दिया जाए ताकि दोनों के हक बराबर जाहिर हो जाएं, ताकि दोनों के साथ बराबर हक अदा कर दिया जाए। इसलिए मेरे भाई ये कोई मजाक नहीं है, आज मैं और आप इन चीज़ों को मजाक में लेते हैं और तफरीहों में लेते हैं कि इस तरीके से दूसरा और तीसरा निकाह शरीयत के अंदर इजाज़त है। जानते हो किन लोगों के लिए इजाज़त है? जो माल के एतबार से भी मजबूत हों, जो घर और कारोबार के एतबार से भी मजबूत हों, जो ताकत और कुव्वत के एतबार से भी मजबूत हों, और जिनको अपने ऊपर ये मुकम्मल एतमाद हो कि मैं इसके हुकूक को अदा करूँगा। आजकल तो एक के हुकूक अदा नहीं होते मेरे भाई, आगे की जिम्मेदारी कहाँ से निभाएंगे? लेकिन मेरे भाई आका ने 11 निकाह फरमाए हैं, हाँ, और पाबंदी मेरे अल्लाह ने लगा दी है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे और आपके आका को बड़ी ताकत दी है, बड़ी कुव्वत दी है, उनके लिए इजाज़त है। और अरब की सरजमीन के अंदर ये रिवाज चला हुआ है कि वहां 2, 4, 5, 10 निकाह किया करते थे, इसलिए कोई बुराई की चीज नहीं, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया को सिर्फ 4 की इजाजत दी है, कर सकते हैं, लेकिन किन को इजाजत है? जो ताकत और कुव्वत और माल तमाम की तमाम चीजों के मालिक हैं। ऐसा ना हो कि किसी की बेटी परेशान हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी की बेटी तेरे सहारे रह करके भूखी मरे, ऐसा ना हो हाँ किसी की बेटी आकर के जेल से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारे, क्योंकि आजकल देखा गया है, आजकल खूब मुआयना करने के बाद देखा गया है, या तो पहली वाली परेशान है या दूसरी वाली परेशान है, बराबर दोनों खुश नहीं है।
कौन जवाब देगा जो इनके हुकूक की हक तलफी हो रही है। खैर बहरहाल मेरे और आपके रब ने, मेरे और आपके महबूब ने अपनी उम्मत को, अल्लाह ने अपने बंदों को मेरे भाई चार की इजाज़त दी है, मेरे आका ने 11 निकाह फरमाए, तो मैं ये गुफ्तगु करने चला आका की ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे और आपके लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर ढालने के लिए काफ़ी हैं। हाँ, निकाहों के बाद कुछ भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं, निकाहों के बाद कुछ भी नसीब हो सकता है, निकाहों के बाद कुछ भी मुकद्दर बन सकता है। लिहाजा इसीलिए मेरे और आपके आका ने ये 11 निकाह फरमा कर सबक दिया है उम्मत मुहम्मदिया को कि हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में, हाँ तुम्हारे निकाह में इस तरह से भी कोई बीवी आ जाए तो तुम्हें उनके साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। आओ तुम्हें बतलाता चलो, हो सकता है किसी का निकाह उससे ज्यादा उम्र वाली से हो जाए। जितनी बेटे की उम्र है बहू की उम्र उससे ज्यादा हो जाए तो ये काबिले नफरत नहीं है, ये काबिले हाँ नफरत नहीं है कि आप घर के अंदर लड़ाई और झगड़े करें, आप घर के अंदर हाँ गुस्से और टेंशन के अंदर बैठे रहें, अपने माँ और बाप पर गुस्सा उतारें, नहीं। आओ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखो, मेरे और आपके महबूब की ज़िंदगी को देखो कि जब आपका पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से होता है, जानते हो कितनी उम्र है हजरत खदीजा की? मेरे आका की 25 साल है और हजरत खदीजतुल कुबरा की 40 साल है, लेकिन क्या हुआ? अरे मेरे और आपके आका जितनी मोहब्बत हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से करते हैं इतनी शायद किसी और बीवी से नहीं। ये क्या सबक है? मुझे और आपको सबक दिया जा रहा है, अगर तुमसे ज्यादा उम्र की तुम्हारी बीवी आ जाए तो उससे नफरत नहीं, उसको गुस्सा नहीं, उसकी वजह से टेंशन नहीं, बल्कि आका की जिंदगी हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ कैसी थी, आओ इस तरीके से जिंदगी गुजारो। घर में लड़ाई और झगड़े फितने और फसाद फैलाने की कतान इजाजत नहीं, बल्कि हो सकता है कि उसकी उम्र ज्यादा हो लेकिन रहमतों के एतबार से, बरकतों के एतबार से, दीन और तकवे के एतबार से हो सकता है वो कम उम्र वालियों से ज्यादा अल्लाह के यहाँ दर्जा रखती हो। इसलिए ज्यादा उम्र वाली से मुझे और आपको नफरत करने की इजाज़त नहीं, मुझे और आपको घर में गुस्सा और टेंशन दिखाने की इजाज़त नहीं, बल्कि आए मैं और आप आका की ज़िंदगी को देखें, अपने महबूब की ज़िंदगी को देखें, कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा से, कितनी उल्फत और हाँ मोहब्बत फरमाते हैं। जब हजरत खदीजतुल कुबरा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से कितनी मोहब्बत करते हैं, रावी बयान करता है अरे कभी कभी आप जानवर ज़िबा कर लिया करते थे और थोड़ा थोड़ा गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों के घर पर भिजवाया करते थे, फरमाते थे मेरी खदीजा भी ऐसी इनके घर गोश्त भिजवाया करती थी, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब भी कभी मौका मिलता, जब भी कभी आप तन्हाई में होते, जब भी कभी किसी और बीवी के पास होते, आप हजरत खदीजा का तज़किरा जरूर किया करते थे, आप अपनी पहली अहलिया का तज़किरा जरूर किया करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था और मैं अल्लाह के नबी से फरमाया करती थी, आका उस सफ़ेद जबड़े वाली को इतना क्यों याद करते हो, उस बूढ़ी को इतना क्यों याद करते हो, लेकिन आका को गुस्सा आ जाया करता था। फरमाते थे आयशा खामोश रहो, खदीजा खदीजा ही थी, वो ही थी। जब मक्के वालों ने, मालदारों ने, ताकतवरों ने जब मेरे ऊपर अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया, उस वक्त मेरे लिए दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं हजरत खदीजा ही थी। यहाँ तक कि जब इस्लाम गुरबत की हालत में था, कमज़ोरी की हालत में था और तमाम के तमाम इस्लाम को कबूल करने वाले गरीब और कमज़ोर तबका था, हाँ गुलाम और इसी तरह बिल्कुल मिस्कीन और यतीमों का तबका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ चुका था, उनसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से, दुनिया के एतबार से कुछ भी नहीं था, दुनिया के एतबार से न मेरे आका के पास कुछ था न सहाबा के पास कुछ था। उस वक्त सारा माल लुटा करके इस्लाम को मजबूत करने वाली कोई और नहीं हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। ए आयशा वो वही थी, वो वही थी।
इसलिए बड़ा तज़किरा फरमाया करते थे, बड़ी मोहब्बत से याद किया करते थे। जानते हो क्या सबक है मुझे और आपको, कि अगर मेरी और आपकी अहलियाएं मुझसे और आपसे उम्र में ज्यादा आ जाएं, तो वो नफरत के लिए नहीं, वो घर में गुस्से के लिए नहीं, वो घर में टेंशनों के लिए नहीं, बल्कि आओ अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखो, ये सब अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है, ये सब अल्लाह की तरफ से नसीब बन करके आते हैं। न वालिद को कुछ कहने की जरूरत है, न वालिदा को कुछ कहने की जरूरत है, और खास तौर से जिन्होंने निकाह कराया है, अगर वाकई में उनसे गलती हुई है तो उनको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फैसला अल्लाह के यहां से हुआ है, यह फैसला अल्लाह के यहां से हो चुका है। तुम्हें निकाह से पहले तमाम की तमाम कारगुजारियां मुकम्मल करनी थी, लेकिन जब अब हो गया तो अब घर में टेंशनों की जरूरत नहीं है। मेरे आका की जिंदगी मेरे और आपके सामने है कि अगर उम्र ज्यादा आ जाए तो किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। हो सकता हो सिर्फ उम्र ज्यादा तकवे और तहारत के एतबार से बड़ी बड़ी अल्लाह की नेक बंदी हो, हजरत खदीजतुल कुबरा की तरह कि हजरत जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सलाम लेकर के आए, कि हजरत खदीजा के लिए सलाम आया है। चुनाचे मेरे भाई, ये हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी जो अल्लाह के नबी को हाँ अपने अपने रिश्तेदार के पास लेकर के गई थी कि वाकई में नबी हैं, और हजरत जिब्राइल को भी आजमाया था कि वाकई में फरिश्ते हैं। लिहाजा इस्लाम को बड़ी ताकत देने वाली, इस्लाम को बड़ी कुव्वत देने वाली, यहां तक कि अगर मैं कहता चलूं कि अल्लाह के नबी को औलादे देने वाली हाँ कोई और नहीं हजरत खदीजतुल कुबरा ही हैं। आपके यहां हाँ तीन बेटे हुए हैं और चार बेटियां हुई हैं, जिनमें से चार बेटी और दो बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा से ही हैं। हो सकता है ये सिर्फ तुम्हें उम्र ज्यादा लग रही हो, लेकिन अल्लाह ने औलादे इसी के नसीब से तुम्हारे लिए लिख रखी हो। हाँ ऐसा ना हो कि कम उम्र वाली आ जाए और उससे औलादे ना हो, वो तकवे और तहारत वाली ना हो, वो मुत्तकी और परहेजगार ना हो, उसकी वजह से घर में बरकतें ना आए, उसकी वजह से घर में रहमतें ना आए, नेमतों के अंदर ज्यादती ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अल्लाह ने उम्र की ज्यादा दी है, हो सकता है अल्लाह ने इसकी बरकत से घर में बरकतें लिखी हो, इसकी बरकत से घर में रहमतें लिखी हो, इसकी वजह से घर में नेमतें लिखी हो, यहां तक कि तेरे हिस्से में औलाद अल्लाह ने हो सकता है इसी के नसीब से लिखी हो। क्योंकि आका के 10 बीवियां और भी हैं, किसी और से एक भी औलाद नहीं, किसी और से एक भी दुनिया के अंदर औलाद नहीं आई, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलाद नरीना मेरे और आपके आका की जिंदगी के अंदर आई हैं। इसलिए मेरे भाई ये काबिले नफरत नहीं, बल्कि मैं और आप अपने आका की जिंदगी को देखें और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसी तरीके से कभी कभी नसीब के अंदर मैं आपको बतलाता चलूं, हो सकता है कोई ऐसी अहलिया आ जाए, कोई ऐसी अल्लाह की बंदी आ जाए कि वो बीमार रहती हो, उसको कोई बीमारी लग चुकी हो, या वो अक्सर बीमार रहती हो। मैं और आप कभी कभी इस तरह की अहलियाओं से मैं और आप नफरत करने लगते हैं और घर में गुस्सा दिखाने लगते हैं, माँ बाप पर गुस्से की वजह से मैं और आप उनको गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन ना भाई, अगर बीवी बीमार आ गई है या बीमारी लग गई है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। हाँ उन्होंने खुद कहीं से बीमारी खरीदी नहीं है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से गुनाह कम करने का एक तरीका है। कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह जब किसी बंदे से उल्फत रखता है, तो उसको हल्की सी बीमारी अता करता है। जानते हो क्या होता है कि जब बंदा बीमार होता है और उस बीमारी पर सब्र करता है और उस बीमारी के हाँ मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ये बीमारी तेरी तरफ से है, अल्लाह में सब्र और शुक्र के साथ तेरी इस बीमारी को कबूल करता हूं। हाँ यानी मोमिन बंदा, बीमारी तो बड़ी दूर की बात है। हमने तो रिवायत के अंदर इतना पढ़ा है कि अगर मोमिन बंदे के कांटा भी लग जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है, उसके गुनाहों को कम करता है। इसलिए जब तुम देखो कि कोई बंदा बड़ा बीमार रहता है, तो जान लो कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। अगर बंदा बीमारी की वजह से परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है
और इसी तरीके से चारपाई से जमा हुआ है। जानते हो ये अलामत किस चीज की है? ये अलामत अल्लाह की मोहब्बत की है। अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे से उल्फत रखता है, और अल्लाह इसे बगैर हिसाब और किताब के अल्लाह जन्नत के अंदर देखना चाहता है, अल्लाह इसका जन्नत के अंदर दाखिला कराना चाहता है। इसलिए मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर निकाह कर लिया जाए, उसमें अगर जो बीवी और अहलिया आए, हो सकता है बेचारी बीमार रहती हो या कमजोर हो, या बीमारी उसको आने के बाद ऐसी लग गई कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। मुझे और आपको किस तरीके से खिदमत करनी है? आओ अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखो। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे और आपके आका की अहलियां हैं, लेकिन अक्सर बीमार रहती हैं, अक्सर कमजोर पड़ी हुई हैं। हाँ, आका ने उनके भी हुकूक का ख्याल किया है, आका ने उनकी मोहब्बत का भी ख्याल किया है। हाँ, उनकी हर हर परेशानी को उठाया है और उनके हर हर नखरों को उठाया है। लिहाजा मेरे भाई ये सब मेरे और आपके लिए सबक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी हाँ जिंदगी के अंदर ऐसे मौके आ जाते हैं कि हम अपनी बिरादरी में तो न कर सके, दूसरी बिरादरी में या दूसरे खानदान में मौका मिल जाए। ये दूसरी बिरादरी का जो मैंने और आपने एक पाबंदी कर रखी है, ये पाबंदी शरीयत की तरफ से नहीं है, ये पाबंदी इस्लाम की तरफ से नहीं है। इस्लाम तो सिर्फ इतना कहता है कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो नबी को मानते हैं, हाँ वो आपस में निकाह कर सकते हैं, इजाजत बिल्कुल शरीयत की तरफ से है। ये मैंने और आपने पाबंदी कर रखी है, ये मैंने और आपने सख्ती से इस पर अमल किया हुआ है कि नहीं, नस्ल में तब्दीली आ जाएगी, नहीं औलादों के अंदर फुला फुला हो जाएगा, ये शरीयत की तरफ से नहीं है। मेरे आका ने कई औरतें ऐसी अपने निकाह के अंदर लाए हैं मेरे आका, जो आका के खानदान से नहीं थी, आका की बिरादरी से नहीं थी। इसलिए मेरे भाई अगर मौका होता तो मैं और लंबी गुफ्तगू करता, और इसी तरीके से मैं गैर बिरादर की बात करने लगा। अगर गैर मजहब की भी कोई औरत अगर ईमान कबूल करके, इस्लाम कबूल करके आपके निकाह में आना चाहती है और इस्लाम कबूल करके आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, तो शरीयत ने उसकी भी इजाज़त दी है। खुद मेरे आका ने कई औरतों से, जिनमें से हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हाँ, और इसी तरीके से एक और अहलिया इसी तरीके से गैर मजहब की हैं, ईसाई हैं, या इसी तरह हजरत सफ़िया यहूदी हैं, लेकिन जब ईमान कबूल कर लेती हैं और आका के निकाह में आने की गुजारिश करती हैं, मेरे आका उनसे सवाल भी करते हैं, अगर तुम निकाह के अंदर आना चाहो तो आ सकती हो। लिहाजा हजरत सफ़िया इसको कबूल कर लेती हैं। जानते हो हजरत सफ़िया कौन है? मजहब से यहूदी हैं, लेकिन ईमान कबूल कर लेती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, और मेरे और आपके आका उनसे अपना निकाह फरमा लेते हैं। और क्या हुआ था, जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नकाब में हो करके हजरत सफिया को देख करके आई थी, हाँ उनकी मुंह दिखाई करके आई थी, जिसको मैं और आप अपनी जबान में इस तरह कहते हैं, मेरे आका की नजर पड़ गई, हजरत आयशा देखने आई हैं। चुनाचे आका हजरत आयशा के पास आते हैं और आकर के मालूम करते हैं, ए आयशा तूने सफिया को कैसा पाया? हाँ तुम देख करके आई हो। तो हजरत आयशा गुस्से में हो जाती है, हाँ देख करके आई हूँ उस यहूदिया को, देख करके आई हूँ उस यहूदिया को, इतना सुनना था। मेरे आका गुस्से में हो जाते हैं, फरमाते आयशा उन्हें यहूदिया न कहो, वो ईमान कबूल करके इस्लाम के अंदर आ चुकी हैं, वो ईमान कबूल कर चुकी हैं, वो ईमान के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। जब कोई ईमान के अंदर दाखिल हो करके हाँ इस्लाम के अंदर आ जाए या निकाह के अंदर आ जाए, अब तमाम मुसलमानों को यह पाबंद किया जाता है कि कोई उसे गैर मुस्लिम कह करके ताना ना दे, वरना गुनाह होगा। उसका अगर दिल टूटेगा तो हराम और नाजायज का गुनाह मिलेगा। क्या फरमाया था मेरे और आपके आका ने हजरत आयशा से, ए आयशा इस तरह ना कहो, वो ईमान कबूल करके इस्लाम कबूल करके तब मेरे निकाह के अंदर आई हैं,
وہ ایمان اللہ کے سامنے اور اپنے محبوب کے سامنے قبول کر چکی ہیں، لہذا اب کسی کو یہودیہ یا ان کے مذہب سے پکارنا جائز نہیں، ان کے مذہب سے ان کو تانا دینا جائز نہیں۔ جس طریقے سے ایمان والے کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں میں نے ایک بار آپ کو بتایا، اور میں نہیں بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے، کہ دل کو تکلیف زبان سے بھی پہنچ سکتی ہے، دل کو تکلیف اپنے ہاتھوں سے بھی پہنچ سکتی ہے، اور دل کو تکلیف اشاروں سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ حضرت صفیہ ہائٹ میں تھوڑی سی کم ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اشارہ کر دیتی ہیں ہاتھ سے کہ حضرت صفیہ وہی، حضرت صفیہ وہی۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ اشارہ کر دیتی ہیں، میرے اور آپ کے آقا غصے میں ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تم نہیں جانتی یہ جملہ تمہارا کتنا سخت اور کڑوا ہے، یہ جملہ تمہارا کتنا سخت ہے، لہذا اے عائشہ اگر اس جملے کو سمندر کے پانی کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو تمام کا تمام سمندر کڑوا اور کھارا ہو جائے، تمام کا تمام سمندر کڑوا ہو جائے۔ لہذا یہ زبان کے اور یہ اشاروں کے جملے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر ان کو سمندر کے پانی میں بھی گیر دیا جائے تو تمام کے تمام کو ان جملوں کا کڑوا پر اس پانی کو کڑوا کر سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اس طریقے سے کسی کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان والی نہیں ہے، یہ اسلام والی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس کے اندر یہ کمی ہے۔ جس طریقے سے کوئی بیچارہ نابینا ہو اور کوئی آنکھ بند کر کے اس کی بات کرے یہ بھی گناہ ہے، اگر کوئی بیچارہ لنگڑا ہے اور کوئی ایک پیر سے چل کر کے دکھا دے یہ بھی گناہ اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ہائٹ کم ہے اور کوئی اس کو اس طرح ہائٹ پر اشارہ کر دے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ خالی زبان سے کہنا ہی حرام نہیں، بلکہ اگر کسی کے عیب کو اشاروں سے بھی کہا جائے تب بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی کو تکلیف اشارے سے بھی پہنچائی جائے تب بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ تو میں گفتگو کرنے چلا، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ایمان قبول کر کے اسلام کے اندر آ جائے اور پھر آ کر کے کسی مسلمان بھائی سے نکاح کر لے۔ میرے بھائی اس طریقے سے مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہو سکتا ہے شوہر کی عمر زیادہ ہو اور بیوی کی عمر کم ہو، لہذا اس طریقے سے بھی ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا کو دیکھو، آؤ اپنے محبوب کو دیکھو کہ حضرت عائشہ کی عمر بڑی کم ہے اور میرے اور آپ کے آقا کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن آپ محبت کے اعتبار سے، الفت کے اعتبار سے آپ حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بچپنا ہے، گھر کا کھانا بنانا نہیں جانتی، ہاں گھر کا کام کاج نہیں جانتی، میری اور آپ کی طرح تانے نہیں دیے گئے، میری اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا گیا تیری ماں نے تجھے کچھ سکھا کر کے نہیں بھیجا، ارے تیری ماں نے کچھ سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ نہ میرے بھائی، حضرت عائشہ گھر کے اندر پہنچی ہیں، میرے آقا خود حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر کبھی آٹا گونتے ہیں، کبھی کھانا بناتے ہیں، کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ عمر میں کم ہیں اور ابھی لڑکپن ہے اور گھر کی ذمہ داریوں کو نہیں جانتی، گھر کے کام کاج کو نہیں جانتی۔ جانتے ہو حضرت عائشہ کو سکھانے والے، حضرت عائشہ کا ساتھ دینے والے کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ایسی بہو آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ایسی اہلیہ آ جائے کہ اس نے اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی کام کر کے نہ دیکھا ہو، کوئی کام نہ سیکھ سکی ہو، اتنے لاڑ اور پیار کے اندر گھر کے اندر پلی بڑی ہو، یا پڑھائی وغیرہ میں اتنا وقت اس کا صرف ہو چکا ہو کہ اسے کبھی گھر کے اندر کچھ بنانے کا موقع یا کچھ پکانے کا موقع نہ ملا ہو۔ تو میں اپنی مائیں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی بہوؤں کو بہوؤں سے زیادہ اپنی بیٹیاں سمجھیں کہ اگر یہ میری بیٹی ہوتی تب بھی تو میں اسے سکھاتی،
ये अपने दूसरे माँ बाप को छोड़ कर के आई है, हम इसके माँ बाप होने का हक अदा करेंगे। हमारी माएँ और बहनों को चाहिए कि ऐसी बच्चियों को, ऐसी कम उम्र लड़कियों को जो घर के अंदर बेटे की बीवी बन कर के आएँ, जो घर में तुम्हारी बहू बन कर के आएँ, ओ अल्लाह की नेक बंदियों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको चीज़ें सिखाएँ। अपनी बेटी को भी तो आपने सिखा करके भेजा है, अपनी बेटी को तो आपने इन तमाम चीज़ों में महारत हासिल करके भेजा है, लिहाजा ये घर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उसे डांटने की ज़रूरत नहीं, उसकी माँ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसके बाप को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, या जिसने रिश्ता कराया है उसको लान तान करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये ज़रूरत है कि अब ये तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है, अब ये तुम्हारे घर की इज्जत बन चुकी है, लिहाजा अब जो इसकी इज्जत होगी वो तुम्हारी होगी और जो इसकी बेइज्जती होगी वो साथ साथ में आपकी भी होगी। लिहाजा जिम्मेदारी बनती है कि हमारी माएँ बहनें अपनी इस तरह की बच्चियां जो घर के अंदर बेटे की बीवी बन करके आएँ, हमारी माएँ और बहनों की जिम्मेदारी कि उनको बिठा करके चीज़ें समझाएँ, उनको बिठा करके खाना बनाने का तरीका बतलाएँ और खाना बनाने का सलीका बतलाएँ, तमाम के तमाम सलीके उनको सिखाए जाएँ, प्यार और मोहब्बत से सिखाए जाएँ। जितना प्यार और मोहब्बत आप उस बेटी को दिखाओगी उतनी वो बेटी आपकी कदर करेगी, आपकी इज्जत करेगी और आपको अपनी माँ का दर्जा देगी। जानते आजकल घर की बहुएं और घर के बेटे की अहलियाएं क्यों माओं की कदर नहीं करती, क्यों इस तरीके से नाकदरी करती हैं? जहां बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि सास अपनी जबान को बड़ा कड़वा करके रखती है। मां है तब भी ठीक है, बहन है तब भी ठीक है, बेटी है तब भी ठीक है, बीवी है तब भी ठीक है, लेकिन जैसे ही औरत सास बनती है पता नहीं इसकी जबान में ये कड़वापन कहाँ से आ जाता है, ये हाकिमाना रवैया कहाँ से इख्तियार कर लेती हैं, ये तकब्बुर वाले जुमले क्यों इनकी जबानों पर आ जाती हैं। और ख़ास तौर से उन बेटियाँ जो घरों की गरीब बच्चियाँ होती हैं, जो कमज़ोर बच्चियाँ होती हैं, और ये मालदार उन बेटियों को लेकर के आ जाते हैं, हाँ घर से बाहर तो बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने देखो अपने बेटे का निकाह बगैर जहेज के किया है, हमने बगैर माल के किया है, हमने कह दिया तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई क्या उस गरीब बच्ची को सुकून से भी रखता है, क्या उस बच्ची को बगैर तानों के भी रखता है, क्या उस गरीब बच्ची को तो इज्जत से भी रखता है? हमने बास जगह और बास घरों के अंदर ये चीजें देखी हैं कि गरीब बच्ची को लेकर के आ गए लेकिन वो गरीब बच्ची पूरी जिंदगी तानों के अंदर गुजार देती है। मेरे बेटे का तो फला जगह हो रहा था, मेरे बेटे के लिए तो फुला जगह से गाड़ी और फुला फुला चीजें मिल रही थी, लेकिन हमने तो इसे गरीब समझ करके लिया, ये गरीब तो हमारे सर पर चढ़ करके बैठ गई, ये गरीब तो कहना नहीं मानती, दूसरों को भी मशवरा देते हैं गरीब की मत लाना, कमजोर की मत लाना। ओ मेरे भाई ये तो तूने सारा सवाब खत्म कर दिया जो तूने बगैर जहेज के सवाब कमाया था, बगैर रस्म और रिवाज के जो तुमने सवाब कमाया था वो इस बच्ची पर जुल्म करके तुमने सवाब की जगह और अपने आप को गुनाहों के अंदर डाल दिया और आप जहन्नम के तबके के हिस्सा बन गए। ये गरीब बच्ची इसलिए नहीं थी कि तुम इस पर हुक्मरानी करो, ये गरीब बच्ची इसलिए नहीं थी कि तुम्हारा बेटा इस पर हाथ उठाए, ये गरीब बच्ची इसलिए नहीं थी कि तुम इसको घर की नौकरानी बना करके रखो कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ घर का काम और काज है, न सुकून है न उसके लिए, हाँ ना आराम का वक्त है, हाँ गरीब की बच्ची ला रखी है, लेकिन जरा देखें हम कितना जुल्म करते हैं ऐसी बच्चियों पर, जरा देखें कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां घर के अंदर बैठी हुई हैं और हमारी गरीब की बेटी घर के अंदर नौकरानी बनी हुई है। हाँ अजान से पहले नहीं उठती, हाँ कुरान नहीं पढ़ती, अजान से पहले उठ करके घर की सफाई नहीं करती, नमाज से पहले उठ करके चाय बना करके नहीं देती, नमाज के बाद खाने में नहीं लग जाती, घर के बर्तन ऐसे पड़े हुए उनको साफ नहीं करती, यानी गरीब की बच्ची तो लाते हैं लेकिन उसको नौकरों से ज्यादा इज्जत में और आप नहीं देते। अक्सर ऐसे घरों के हाल बिगड़े पड़े हैं जो चौड़े होकर के कहते हैं हमने गरीब बच्ची से अपने बेटे का निकाह किया है, जहेज नहीं लिया है, लेकिन जरा उस गरीब बच्ची से ही मालूम करो क्या घर के अंदर तेरी कदर है, घर के अंदर तेरी इज्जत है,
घर के अंदर नौकरों से ज्यादा तुझे कदर दी जाती है, फिर अगर बच्ची से कोई गलती हो जाए, फिर अगर बच्ची कोई गलती कर बैठे, फिर बच्ची अगर घर जा करके अपनी कोई शिकायत रख दे तो फिर उसको भी सर पे उठा लेते हैं। ये कैसी है, अपने माँ बाप से जा करके हमारी शिकायत करती है, क्या कर लेंगे तेरे माँ बाप, वे गरीब हैं, वे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। वाकई में वो कमजोर हैं, लेकिन याद रखना अगर किसी मालदार को सताओगे तो मालदार किसी अपने से बड़े मालदार के पास पहुंचेगा, और अगर किसी गरीब के आंसू बहाओगे याद रखना वो सीधा अल्लाह के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा? अल्लाह के पास पहुंचेगा। इसलिए मेरे भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि घर के अंदर गरीब बच्ची आ जाए, घर के अंदर मिस्कीन बच्ची आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने और आपने उसमें उसे घर की बहू का दर्जा दिया है। ज़रा मैं और आप ख्याल करें, जो मेरी बेटियां कपड़े पहनती हैं क्या वो गरीब बच्ची कपड़े पहनती हैं? जो मेरी बेटियां खुश होकर के घर में खाना खाती हैं क्या वो औरत जिसको हम गरीब की बेटी बना करके अपनी बहू बना करके लाई हैं, क्या इसी तरह मैं और आप रवैया रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो याद रखना कल कयामत के मैदान में हुकूक तलफी और इसी तरह हक तलफी के गुनाह के अंदर पकड़ लिए जाओगे। हाँ, इन बातों से कोई फायदा नहीं है कि हम घरों के बाहर शोर मचाएं, हमने गरीब बेटी से निकाह किया है, हमने कमजोर बच्ची से निकाह किया है। जानते हो क्यों करते हैं बाज़ हज़रात? ताकि ये हमारी घर की नौकर बन करके रहे, ताकि ये हमारे घर की गुलाम बन करके रहे, ताकि ये किसी से शिकायत ही ना करे। अगर मालदार से करते तो वह हमारा मुकाबला करता, अगर मालदार से करते तो वह हमें हाँ तकलीफ पहुंचाता। हमने इसीलिए किया ताकि गरीब की बेटी हमारे घर में नौकरानी बन करके रहे। मैं सब घरों की बात नहीं करता, कभी आप उसको दिल पर ले जा रहे हो कि हमारे घर का ऐसा मामला नहीं है, अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप ये समझें, क्या मैं और आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो वाकई आप अपनी जगह ठीक हैं, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, किसी और को तारीफी कलिमात कहने की ज़रूरत नहीं। इतना ज़रूर समझ लें कि हर हर लम्हों का हिसाब मुझे और आपको अपने अल्लाह के यहाँ देना होगा। इसीलिए मेरे भाई, मेरे और आपके आका की जिंदगी में ये तमाम की तमाम अजवाजे मुतहरात जो आई हैं, इन सब की तरफ से मुझे और आपको सबक दिया जाता है कि अगर उम्र की कग ज्यादा आ जाए तो हजरत खदीजा की तरह मोहब्बत करना, अगर बीमारी आ जाए तो हजरत सौदा की तरह मोहब्बत करना, और इसी तरीके से गैर बिरादर आ जाए तो फुला फुला औरत की तरह मोहब्बत करना, अगर दूसरे मजहब की ईमान कबूल करके आ जाए तो हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह मोहब्बत करना, और इसी तरीके से अगर किसी के निकाह में उम्र की कम आ जाए, अगर उम्र की कम हाँ निकाह के अंदर आ जाए तो हजरत आयशा की तरह उसके नाज और नखरे संभालना। हजरत आयशा की तरह सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे और आपके आका को दिखाने वाली कोई और नहीं थी, हजरत आयशा थी, सबसे ज्यादा नखरे। हाँ, अगर किसी के मेरे और आपके आका हाँ बर्दाश्त करते थे तो वह हजरत आयशा थी, लेकिन ये नखरे, ये गुस्सा, ये औरत की खासियतों के अंदर शामिल होता है। मैं और आप इसको ऐब समझते हैं, मैं और आप इसको हाँ गुस्से की वजह से अपने घरों को तोड़ देते हैं। ना मेरे भाई, उनके नखरे उनकी सिफतों में से हैं। हाँ, मेरे और आपके आका को गुस्सा दिखाती थी, लेकिन मेरे आका मुस्कुरा जाया करते थे और हमेशा मुस्कुराया करते थे, लिहाजा मोहब्बत भी ऐसी किया करती थी। तो मेरे भाई, हम भी इसी तरीके से अगर कम उम्र की बच्ची हमारे घर के अंदर आ जाए और वो बेचारी घर के काम काज नहीं जानती, घर की जरूरतों को समझना नहीं जानती, घर की जिम्मेदारियों को नहीं जानती, तो हम तमाम घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो तमाम की तमाम चीजें सिखलाएं। उसको घर की तमाम चीज़ों को सिखलाएं, उसको घर की तमाम जिम्मेदारियों को बतलाएं, घर के उसूल और आदाब बताएं मोहब्बत के साथ। और ये समझें, अगर इसकी जगह हमारी बेटी होती तो हम किस तरीके से इसके साथ रवैया इख्तियार करते, हम किस तरीके से, या आप सोचें कि हमारी बेटी अगर किसी के घर पर जाए और वहाँ जा कर के उस पर जुल्म हो तो मेरे और आपके दिल को कितनी तकलीफ पहुँचती होगी, कितनी मेरे और आपको ठेस पहुंचती होगी। हाँ, इन चीजों को समझ करके फिर ये गर्दान कर लें कि ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी के
के घर के आंगन का फूल है। इसलिए मेरे भाई अगर उम्र की कम आ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम का बोझ उसी पर नहीं डालते थे, हाँ अम्मा आयशा के ऊपर नहीं डालते थे, बल्कि अगर आटा गूंदने चली हैं तो आप साथ देते थे, अगर बर्तनों की तरफ चली हैं तो आप साथ देते थे, यहाँ तक कि आप अगर घर की सफाई के लिए चली हैं तो आप साथ देते थे। लिहाजा मेरे भाई मेरे और आपको भी इसी तरीके से अपनी जिंदगियों को गुजारना चाहिए। किसी की माँ को या किसी के बाप को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, वरना इस तरह के बदले अल्लाह दुनिया के अंदर ही ले लिया करता है। आप किसी की बेटी बहन को सताएंगे, कल आपकी बेटी भी किसी के घर पर पहुंचेगी, कल आपकी बहन भी किसी के घर पर पहुंचेगी। लिहाजा ख्याल करें कि अगर हम किसी की बेटी को सताएंगे तो कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है, हमारी बहन का भी नंबर आ सकता है। इसीलिए और एक तरीका और एक चीज और बतलाए देता हूं, अच्छी बात है कि हमारे घर की बहुएं हाँ गरीब घरानों से हों, कमजोर घरानों से आ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो हमारे घर की नौकरानी है, वो हमारे घर की गुलाम है, उन्हें सुबह से शाम तक सिर्फ काम और काम है, रात को सही से उनको सुकून भी नहीं मिलता है। लिहाजा मेरे भाई वो गरीब कमजोर होगी अपने घर की, लेकिन अब वो तुम्हारे घर की मलिका हो चुकी है, वो अब तुम्हारे घर की रानी बन चुकी है। लिहाजा उसको अब रानियों की तरह रखा जाए, उसको मलिकाओं की तरह रखा जाए, गुलाम की तरह नहीं, कमजोर समझ करके नहीं। आजकल इस तरह के जुल्म हमारे भाई कुछ करते हैं कि गरीब बच्चियों को निकाह के अंदर अपने बेटों के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन पूरा दिन काम के अंदर लगा करके या उन पर जुल्म के पहाड़ों की चक्की पीसते हैं। याद रखना कल कयामत के मैदान में अल्लाह को जवाब देना होगा। कहने का मकसद ये है मेरे आका ने जो निकाह फरमाए हैं उन तमाम के तमाम में मुझे और आपको सबक है, मुझे और आपको हाँ ये सबक दिया गया है कि तुम्हें किस तरीके से अगर किस तरीके की औरत मिल जाए तो तुम्हें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दें। आमीन। वाखिर दावा हूँ अनिल हमदुल्ला। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नत पढ़ी।